हाँ, वी गार्डन ने अपना काम खुद ही शुरू कर दिया, उसको मुझे अंदर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाल वर्ल्ड। तो अभी मैं हूँ लेवल 23 में, तो बस थोड़ा सा ही रह गया लेवल 24 होने में। और मैं बहुत सारे ये वार्डन टैग्स लेके आया, ह्यूज वार्डन टैग भी वहाँ से मिला है मुझे, और 2 हनी मैं लेके आया हूँ ताकि मैं एक केक बना सकूँ, और हनी भी मुझे ज़रूरत है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास काऊ भी है, और फिर दूध और अंडों की कोई कमी नहीं है, मुर्गी भी है और अंडे भी बहुत सारे हैं। बस केक बनाने हैं और बहुत सारी ब्रीडिंग करनी है। मुझे एक फास्ट अनोबिस चाहिए बेस के लिए। तो दोबारा से मैंने तीसरी बार लेवल 23 पे पहुंचा हूं मैं, क्योंकि गेम की जो वर्ल्ड जो है वो डिसअपियर हो गई थी, पता नहीं कैसे ग्लिच था, लेकिन अभी अपडेट आई है, शायद ठीक हो गया होगा। दूसरी तीसरी अपडेट है अभी, और ये मैंने बनाया, इससे ये फास्ट हो रहा है काम। यहाँ पे कुकिंग भी फास्ट हो रही है और ये भी फास्ट हो रहा है। यहाँ पे जितने भी ये लगा देते हैं दो, यहाँ पे आके एक बंदा कर देगा। और ये मुसंडा लक्स मैंने वहां से आजाद किया था, मेरे पास आ चुका है, और बहुत सारे एक्स से चीजें निकालनी है अभी। और अभी मैं केक यहाँ पे लगा देता हूँ, शायद वो रेस्ट कर रहा है ये आग वाला, तो यहाँ पे आएगा और ये हुडी बना देगा। वो अभी ब्रेक पे है और आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है काफी। ये मैंने फर्नीचर और ये चीजें बनाई हैं अभी, और ये मेरा देखते हैं कितना लेवल पे पहुंचा है अभी तक। लेवल 4 पे है, 5 पे मैं जाने वाला हूँ तीसरी बार, और यहीं पे इस बार मैंने ब्रीडिंग वाला बना दिया है, बजाय इसके कि दूसरी बेस पे मैं बनाऊँ, क्योंकि यहीं से काम हो जाएगा सारा। ओके, मैं यहाँ पे केक लगा देता हूँ कुकिंग पे, वो अभी तक वहीं पे है भाई। ये इतनी लंबी ब्रेक ले रहा है, ये एक ही से फुल हो गया, ये अच्छे अच्छी चीज मिली है। अब इसकी स्पीड काफी इंप्रूव हुई है काफी, आप देख सकते हैं उस कोल्ड रन की वजह से। ये दो देखें, इतनी जल्दी इसने इंगट बना दिए यहाँ पे, कि यहाँ पे केक बनाने के लिए लगाना है, एक केक मुझे लगाना है मैक्स, में एक ही बना सकता हूँ फिलहाल क्योंकि हनी की कमी है। तो सबसे पहले बी का ही कुछ इसमें कर लेते हैं, केक बनने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी इग्निस का जो है लेवल 4 का कुछ ढूंढ के लाना पड़ेगा ताकि केक जल्दी बेक हो, और इसकी वजह से काफी फास्ट हो रहा है अभी भी वैसे भी। और अभी बी का फार्मूला देख लेते हैं क्या है। अभी मेरे पास टॉम बैट है और ये है हु क्रेट्स, और ये हु क्रेट्स और टॉम बैट को अगर मैं इकट्ठे अगर लगा दूं ब्रीडिंग पे, तो ये इनसे मुझे एक बी मिल जाएगी। मेरे पास अभी है बी है, लेकिन ये एलिजबी है, मतलब क्वीन है बीस की, और ये हनी ड्रॉप नहीं कर रही है, तो इसलिए ना काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, केक नहीं बन रहे और ये ब्रीडिंग का मतलब भी रुका हुआ है। तो अभी मैं यहाँ से टॉम बैट, मेरा टॉम बैट और ये हु क्रेट्स को जो है ना ऐसे मैं ढूंढ के उसके अंदर डाल देता हूँ, फिर ये केक बन जाएगा, फिर मैं उधर डाल दूंगा। तो ये है टॉम कैट, यहाँ से उठाने का भी ग्लिच आ रहा है, पिछली बार नहीं था, वी ऑप्शन ही नहीं आ रहा उसके, दोबारा से मुझे इसमें से डालना पड़ेगा। ओके, मैं ले जाके इसको अंदर यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि ये बाहर ना आए। इसका काम ये देखो, एक मैंने डाल दिया, ये पता नहीं अब मेल फीमेल का चक्कर ना हो कोई इसमें, ठीक है फीमेल है ये टॉम बैट। तो अब हु क्रेट्स देखते हैं कि वो मेल है या हु क्रेट्स, अगर फीमेल हुआ तो हमें मेल वाला पकड़ना पड़ेगा। हाँ ये फीमेल है, मेल वाला देखते हैं मेल वाला है कि नहीं हमारे पास, दोनों में से एक फीमेल और एक मेल होना जरूरी है। हाँ ये एक है, ये मेल है, तो ये इसकी जगह डाल देते हैं, और जो फीमेल है वो हम निकाल देते हैं। ओके, हमारे पास है फीमेल भी और मेल भी, तो टेंशन नहीं है अभी। तो भी यहाँ पे हो गया बराबर, एक 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 फीमेल और एक मेल डाल दिया, और इनकी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अच्छी, ये भी अच्छी है इनकी स्टैट्स वगैरह। अभी केक बनने का इंतजार है, तो केक बनने के बाद यहाँ पे हम केक डाल देते हैं और एग यहाँ पे हैच कर देंगे। सबसे पहले मैं ये वाले एग्स लाया हूँ, ये हैच कर देता हूँ, देखते हैं वर्डन टैग में क्या मिलता है। ओके, ये मिला है, ठीक है ये भी ठीक है। दूसरा वर्डन टैग के ये लीफ मंक मिला है, और ये ह्यूज वाले में देखते हैं, इसी में बी मिल जाए तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ दोबारा से एलएसबी मिली है, तो बी गार्डे की ज़रूरत है, एलएसबी किसी काम की नहीं है मेरे, ये पार्टी में है एलएसबी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लड़ने में अच्छी है, लेकिन ये हनी ड्रॉप नहीं कर रही, तो केक नहीं बना सकता, तो केक बना नहीं सकता तो अनुबिस कहाँ से आएगा। तो मुझे बड़े बड़े पाल्स यहाँ से ब्रीड करके निकालने हैं एंड गेम के अर्ली, यहाँ पे मुझे चाहिए ताकि मैं जल्दी गेम को बीट कर सकूँ। बाकी बड़े बड़े मैंने दोबारा से ले लिए। अब ये फिर से वहाँ पे चला गया कहीं पे ये बंदा, अच्छा वो मैंने शायद वो फायर वाला निकाल दिया। हाँ बेस पे है ही नहीं तो वो केक कैसे बनाएगा, इसीलिए केक नहीं बन रहा। ये है भाई, दोबारा से मैंने लगा दिया काम पे,
केक बनाएगा जल्दी जल्दी। स्पीड अच्छी है इसकी, केक सबसे ज्यादा टाइम लेता है इसमें। मैं भी हाथ लगाऊं तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ओके यहाँ पे मैं वेट करता हूँ जब तक ये केक हो जाता है, फिर ब्रीडिंग पे उनको लगा देते हैं। उनको वैसे ही मैंने अंदर डाल दिया, वेट करते हैं केक का। ओके गाइस तो यहाँ पे केक हो चुका है, हम केक यहाँ पे पिक कर लेते हैं और यहाँ पे इसका जो अपना ब्रीडिंग का ये बॉक्स है इसमें डाल देते हैं ताकि ये अपनी ब्रीडिंग जो है वो शुरू कर सके। तो यहाँ पे इन्होंने शुरू कर दिया, आगे बढ़ा है बाहर के। यहाँ से अभी भी एग भी आ चुका है, ये आई थिंक अभी उठा नहीं सकते हम, शायद उठा सकते हैं। ओके वर्डेंट एग आ चुका है, अभी इसको जो है हैच करके देखते हैं इसमें से बी निकलती है कि नहीं। फार्मूला तो यही है वैसे। ओके बी गार्डे आ चुका है, अच्छी बात है। अब केक जो है एकदम जो है ना सही तेजी से बनेंगे। मैं इसको बेस पे छोड़ देता हूँ और ये इसको हुक रेट को निकाल के यहाँ पे बहुत जल्दी काम हो गया। एक मिनट, केक डालने की देर थी बस बी गार्डे को। हाँ बी गार्डे ने अपना काम खुद ही शुरू कर दिया, उसको मुझे अंदर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये अभी हनी देना शुरू कर देगा, ये देखो दूध भी आ रहा है। और अभी मुर्गी भी एक अंदर डाल देते हैं, ये मुर्गी है एक चिकपी, इसको डालते हैं। किसकी चिकपी है बल्कि आगे मेरे पास, यहाँ पे ये नजर नहीं आ रही। अच्छा ये चिकी पी ये है बाहर है, तो इसको भी अंदर डालना पड़ेगा ताकि अंदर अंडे दे, ये फायर घूम रही है। ओके अभी ठीक है, हनी आना अभी शुरू नहीं हुआ है। बी गार्ड के पास ये वाला कुछ स्पीयर टाइप का होता है, लेकिन ये जो होती है ना क्वीन होती है उसके पास, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये क्वीन है। इसके पास हाथ में वो कुछ होता है किंग का जो कुछ होता है ना, वो उस टाइप का कुछ स्पीयर सब कुछ होता है उसका। मेरे पास हनी नहीं है, यहाँ पे दूध है, यहाँ पे डाल देते हैं। फ्लोर भी काफी है, अब केक की कोई कमी नहीं है, सिर्फ हनी का हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। के यहाँ पे ये लैग तो हुई है लेकिन, तो हम बैट को यहाँ से निकाल देते हैं। मैंने यहाँ पे सोस ये भी बना दी, स्फीयर के गीगा स्फीयर मेगा स्फीयर और पाल स्फीयर। अभी एरोस थोड़ी सी बना लेते हैं, मैक्स में 900 बना सकता हूँ, इतनी बना लेते हैं 500। और ये होती है बी गार्डे, इसके हाथ में ये किंग की सारी चीजें होती है और इसकी वर्क स्पीड भी काफी तेज होती है, ये आप देख सकते हैं। मैं लेवल 24 पे जाने वाला हूँ, हम फिर पाल वो बना सकते हैं। लेकिन ये देखो ये हनी हनी ड्रॉप नहीं हो रहा है, हमारे पास एक आ तो गई है, इस पूरे एरिया में मैं गया लेकिन ये ब्लास्ट हो जाती है, मिली नहीं मुझे एक भी। ये अभी चेक करते हैं हनी आया के लिए, ये फाइनली दो हनी आया इतनी देर के बाद, शायद लेवल कम है इसका इसलिए। तो के एक और हम लगा देते हैं यहाँ पे केक बनने के लिए, और एक ही लगा सकते हैं फिलहाल, हनी की कमी है फिर। ओके तो यहाँ पे केक लगा दी है, वो केक बनाने वाला कहाँ पर है नजर नहीं आ रहा, वो लगा हुआ है ब्रेक पे अभी। तो ये जैसे ही कर देगा हम अगला ब्रीड करने वाले हैं अनुबिस को, तो देखते हैं अनुबिस से काम फास्ट हो जाएगा। तो अगला हम अनुबिस करने वाले हैं, ये आगे काम पे वेट करते हैं केक बनने का।